आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। हम इस संसार में आए हैं, साधु महात्मा भी आते हैं, संत भी आते हैं, अवतार भी आते हैं। जब जब जिस जिस शक्ति की, जिस जिस ताकत की इस धरा को आवश्यकता होती है, वही तत्व आके इस धरा पर प्रकट हो जाता है। जिस कार्य के लिए साधु महात्मा आते हैं, अगर हम भी उसी कार्य के लिए आए हैं जिस कार्य के लिए वो आए हैं, तो हमारा मिलन बहुत जल्द हो जाता है। मिलन केवल शरीरों का नहीं, वहीं तक सीमित नहीं, मिलन उस आत्मा का जो उस परम चेतना तक जाती है, जो उस परम तत्व तक जाती है, उस ब्रह्म तक पहुंचती है। जन्म जन्मांतरों की तपस्या के बाद, जन्म जन्मांतरों के भजन संचय के बाद, जन्म जन्मांतरों की एकाग्रता के बाद और अनंत अनंत पुण्यों के संचय होने के बाद उस परम चेतना की प्राप्ति होती है जिसको आनंद कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कवल्य कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, परमपद कहते हैं और एकाकार भी उसी का नाम है। ये केवल इतने शब्दों में ही नहीं समाता, इन शब्दों से परे भी वो चेतना है। क्योंकि अगर शब्दों के अंदर वो समाया तो सीमित हो जाएगा, वो असीम है, असीमित है, ज्ञान की चरम सीमा है, लेकिन हम उसे इस तरह से नहीं खोज सकते। इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से, इन इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते उस चेतना का। उस चेतना का श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हे अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। क्या वो सामने नहीं था? क्या वो हर समय उसके साथ नहीं रहता था? हर पल जो उसका सखा था, संबंधी था, मित्र था, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। वो कौन से ऐसी ताकत है जिसे इन चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, जिसे तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है? लेकिन हमने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। जिस प्रकार से नेत्रों के अंदर आंखों में छोटा सा दिन कहा जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। खोजी वैज्ञानिक और ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं कि एक पहाड़ तभी दिखना बंद हो जाएगा जब उससे बड़ा पहाड़ उसके आगे खड़ा कर दिया जाए। गणितज्ञों का यही मत है, लेकिन सच जब छोटी सिंदरी अपना कार्य बंद कर दे तो बड़े से बड़े प्रकृति भी दिखाई देना बंद हो जाती है। बहुत कुछ अगर हमारे हाथ में हो तो हम किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर हमारे कान नहीं है तो कितनी ही
बड़ी झाले उठती रहे सागर के अंदर, चाहे सागर के अंदर कितने ही तेज आवाजें होती रहें, लेकिन हम नहीं पहुंच सुन पाएंगे उस तक, जो आवाज उठ रही है नहीं पहुंच पाएंगे। यही हाल संसार का हो गया है, भ्रमित होता चला गया, मंदिरों से लेकर के मस्जिद तक केवल बातचीत को ही उस परमात्मा का विषय मान लिया गया, केवल बातचीत तक ही सीमित कर दिया गया सब कुछ, केवल तर्क को ही श्रेष्ठ मान लिया गया। लेकिन परमात्मा केवल तर्क तक सीमित नहीं है। अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं मिले तो स्वीकार हो जाता है परमात्मा है। अगर तर्क के ऊपर तर्क चलता रहे फिर तो हम ये साबित करने को लग जाते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, इसी जद्दोजहद के अंदर। लेकिन हम अपना पूर्णता समर्पण नहीं दे पाते, चाह करके भी नहीं दे पाते, कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। और जब तक हम अपना पूर्ण नहीं दे पाएंगे तब तक उस चेतना की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाह करके भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अमेरिका के अंदर कलोराडो, जहां सोने की खाने बहुत वर्षों पहले खोज हुई, शरणकारों ने खोज की, पहाड़ियां थी, सब कुछ बिकने लगा, छोटी छोटी पहाड़ियां भी बहुत ज्यादा कीमत के अंदर बिकी। वही एक शेठ ने, धनी ने बहुत बड़ा पहाड़ खरीद लिया। जब पहाड़ खरीदा तो उन्हें यह आस थी बहुत ज्यादा सोना प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा सोना मिलेगा, सारी संपत्ति जमा पूंजी वहीं लगा दी, कुछ मशीनों के अंदर, कुछ खरीदारी के अंदर, कुछ श्रमिकों को दे दी। खोदता रहा, बहुत दिन बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, रोता रहा, माथा पीटता रहा कि सारा जीवन बर्बाद हो गया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने उस खान को बेचने की सोची। पहले तो सोचा कि कौन खरीदेगा इसको, जब यहां कुछ है ही नहीं, जब मुझे मिला ही नहीं, कौन खरीदेगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। लेकिन कोई भी वस्तु हो खरीदार तो मिल ही जाते हैं। एक व्यापारी आया और उन्होंने खरीदने की कोशिश की। वो सोच रहा कि पहले ही बता दूं, मैं बहुत खोद कर देख चुका, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, कुछ नहीं हाथ आने वाला तुम्हारे, क्यों व्यर्थ में परेशान होते हो, क्यों व्यर्थ में पैसा बर्बाद करते हो। लेकिन जो मन के अंदर लालच छुपा हुआ था, लोभ के वशीभूत होकर के नहीं बोल पाया। सौदा तय हुआ, सौदा तय होने के बाद फिर उन्होंने कह ही दिया, बोल ही दिया कि कुछ हाथ नहीं आने वाला है, मैंने बहुत माथा पीटा है, बहुत खुदाई की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो मुस्कुराया और कहा, अब तो मैंने इसको खरीद लिया, जो भी है कोशिश तो करनी ही चाहिए। उन्होंने ये कह करके ले लिया और काम शुरू कर दिया। बड़े आश्चर्य की बात, कुछ ही फिट खुदाई की थी, स्वर्ण का पूरा की पूरा पहाड़ ही मिल गया, पूरी की पूरी खाद्यान्न ही मिल गई। उस खान
के अंदर सोना ही सोना था, फिर आया वो देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे भाग्य में तो केवल माथा पीटना ही लिखा है, पहले भी पीट रहा था जब नहीं मिला था।